जहानाबाद जिले के एक निजी होटल के परिसर में राजद नेता स्वर्गीय तल्लू राय की तीसरी पुण्यतिथि पर पहुंचे बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव और राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर मुनीलाल यादव ने मंच से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति शुरू कर दी। इसी कड़ी में राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर मुनीलाल यादव ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को आधा गलती और आधा सही मानते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के बयान को सही ठहराया। उन्होंने इतना ही नहीं, आप उनकी जुबानी से और समझिए कि किस तरीके से वोट के लिए राजनीति की भाषा लोगों के बीच रखा। इस बात को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए सारी बातों को सही माना और उन्होंने भी वोट की राजनीति से गुरेज नहीं की। आप मंत्री के भी जवानी सुनिए और समझिए। मंत्री ने प्रधानमंत्री को भी कहा कि कितने क्लास तक पढ़े हैं हम लोगों को बताएं। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। लगता है पर उससे बड़ा जो है मुद्दा, कोरोना से बड़ा मुद्दा, पाकिस्तान के जो अभी बदहाली है उससे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में आया हुआ है बेरोजगारी। ये कम बड़ा मुद्दा नहीं है। मन के बात कहते हैं मोदी जी, हम लोग सुनते भी हैं मन के बात, अभिभावक हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, कुछ बोल नहीं सकते उनके खिलाफ। उनके खिलाफ बोलने का मतलब है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, उस कुर्सी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मन के बात बच्चे लोग को पढ़ा रहे थे अभी 26 जनवरी के बाद, और क्लास ले रहे थे ट्यूटोरियल। जो कॉलेज में पढ़े होंगे तो उनको ज्ञान होगा कि ट्यूटोरियल क्लास, हम भी पढ़े ट्यूटोरियल क्लास में, मुल्ला जी भी पढ़े हैं, ट्यूटोरियल क्लास चलता है। तो ट्यूटोरियल क्लास ले रहे थे, सही बात है, लिए भी। हम बड़ा ध्यान से सुन रहे थे उनका, एक एक बात ध्यान से सुने। अब एक बात बताइए, जो क्लास ले रहे थे और टिप्स दे रहे थे एग्जामिनेशन के बारे में, टिप्स बढ़िया। वोट का राज है, वोट के राज के मतलब खेत के राज। ये लालू यादव बोलता था, सुरेंद्र यादव नहीं बोला, ये लालू यादव बोलता था। तो वोट से आजकल पूरी दुनिया में चुनाव हो रहा है, वोट से। अभी जबरदस्ती चुनाव करा लिया है आपका चाइना में, जबरदस्ती। जिस तरह से संधि मिलन करते हैं, पान के पत्ता और दही लगा के सीना में साटते हैं, एक दूसरे से गला मिलन करते हैं, और जिस तरह से ईद में गला मिलन मुसलमान करते हैं, उसी तरह से अगर सब छोटे छोटे कास्ट को अपने दल में जब गला मिलना शुरू कीजिएगा संधि के तरह, और ठीक ईद के तरह अगर गला मिलते हैं तो सब आप में सटेगा, कलेजा में पान के पत्ता में दही लगा के। अगर इसको जितना दूर कीजिएगा तो तेजस्वी अलग से वोट कहां से ला देगा? कंप्यूटराइज वोट तो है, कंप्यूटर डालने वाला चापे वाला आदमी रहेगा तब ना, कि खाली पी बोले से हो जाएगा वोटवा। पी बाहर बैठ के एक आदमी बोल देते 1000 वोट पर गए भी अम्मा में, उसे ना होगा भाई। एक बात और याद रखिए जीवन में हमेशा, तेजस्वी बाबू उप मुख्यमंत्री बोले कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। एक बात हुआ। अगर हर स्टेट में इतना ही देना शुरू कर दे तो हिंदुस्तान को तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा, तब यह देश चलेगा। अन्यथा पहले लोग थे मुट्ठी भर, खेती था अपार, पैदा होता था अपार। अभी जो मौसम किया है बिहार भर में, मौसम किया है तो देखिएगा
कि बढ़िया खेसारी, बढ़िया मसूरी और बढ़िया चना नहीं होगा, ना बढ़िया गेहूं होगा, तो नुकसान कहां जाएगा? पेट पर लात पड़ेगा किसान को और हम लोग को। और जो देश और जो नेता किसान के बारे में नहीं सोचे, तो समझ गए कि इससे खराब आदमी धरती पर हो ही नहीं सकता है, उससे खराब आदमी हो ही नहीं सकता है। किसान को अगर बढ़ाइएगा तो क्लास तक पढ़ा रहे। दूसरा बात, जब पढ़ लिख के टॉपर हो जाएगा तो नौकरी कौन देश में पावेगा, ये भी बात बताना चाहिए। ऐसा कह दे कि हम पढ़ लेके टॉप कर गए, माए बाप कर्जा लेके खून बेच के पेट काट के बच्चा को पढ़वा दिया मोदी जी के बात पर, और बाद में कह दे कि पकौड़ा बेचो चाय के दुकान खोलो, तो चलेगा भाई? कैसे चलेगा? तो सबसे पहले जो कोरोना से बड़ा दुश्मन है वो है बेरोजगारी। हर घर में 4-5 बेरोजगार हो गया, हर घर में, हर घर में। देखिए तो खैनी खाना शुरू कर दिया है, खाली दिमाग शैतान के, जो दिमाग से नफरत करता था आज खैनी खा रहा है, धीरे धीरे गुटखा खा रहा है, बब 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 बब, क्या करे बेचारा, इसलिए खा लिया है कि कुछ बोलिए तो बब 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 करके वो बोला ना बोला का सुना ना सुना। कोरोना के पहले आए थे, 3 दिन पहले हम भाषण दे रहे थे, तेजस्वी आए हुए थे और कई मंत्री थे, उस बिहार सरकार के सारे पदाधिकारी लोग भी थे। दलाई लामा बाबा जब आए थे तो कोरोना काल के पहले बोधगया में बोध महोत्सव हो रहा था, तो दलाई लामा बाबा बोले कि दुनिया में सबसे खराब एक ही कंट्री है जिसका नाम चाइना है, और बोला कि चाइना एक ऐसा काम करने जा रहा है जो पूरे विश्व में अशांति फैल जाएगा और महामारी फैल जाएगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जो दलाई लामा बाबा बोले और जो ट्रांसलेटर था उनका, ट्रांसलेट करके जो बोल रहा था, एक तरफ हम बैठे हुए थे, दलाई लामा बाबा बीच में बैठे हुए थे, एकदम सुबह सुबह 7 बजे गए थे उनसे आशीर्वाद ले। इस बार तो हम आशीर्वाद भी नहीं लिए, इस बार सरजीत बाबू जो मंत्री है, तो 2 भाई लड़ता है तो देखिएगा, बंटवारा होता है तो अमीन बुलावल जाता है, तो उसमें जमीन के नापी होता है, तो जो जमीनियां रहेगा उतना ही ना ठहरेगा, तो वोट दूसरा रहबे नहीं करेगा आपके पास, तो बक्सवा में से निकलेगा कैसे, बीएमआर से निकलेगा कैसे। तो मुल्ला जी ठीक बोले थे, उनका बात के हम समर्थन करते हैं। और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के बारे में जो बोले, उस बात को भी हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद और बधाई देते हैं मुल्ला जी को कि वो अपने सही बात रखा। एक मत हमेशा याद रखिए, धरती पर बहुत से लोग आए हैं, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अगर सत्य नहीं रहता तो धरती दुश्मन को तोड़ेगा, अन्यथा ऐसी जीतिया गाते फिर गड़बड़ हो तो बाबू सीखो। आज हम कमजोर क्यों हैं? हम धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए आज जो महागठबंधन बनी, पॉलिटिकल बात मैं बोल रहा हूं, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम कमजोर हो रहे हैं, सोचने और चिंतन का विषय है। आज बगल में 20 घर अगर दूसरे जाति के लोग हैं उसको हम वोट नहीं दिलाते हैं, आज कैंडिडेट बन के आते हैं सुरेंद्र भैया तो कहता है कि कोई दिक्कत है कहीं, एकदम जय जय हो, एकदम जेने के लिए उन्हें देख ले सुरेंद्र लारिया ना, वो धोखा देता है और धोखा 4 से खिला रहा है अपना नेता के। यहाँ 1 अरब से ज्यादा घटा है एमपी नहीं बनने पर, इसको सोचिएगा। बना दो तो लालू जी कहें के चुप रहो, इंदिरा आवास उसको बनता है जिसको फूस का छप्पर रहता है और मिट्टी की दीवार रहता है। इतनी गंदी बात बोले साधु बाबा वीर अहिर लोहिया जी,
कि मैं यहां से नहीं कहने लायक है और भाषण का विषय नहीं है। मैं जानता हूं तुलसीदास के पंक्ति जो लिखा है तो कुछ सही है या कुछ गलत भी है। मैं आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से जो माननीय मंत्री हमारे दल के प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू ने दुश्मन को तोड़ेगा अन्य तो ऐसी जीतिया गाते फिर गड़बड़ हो बाबू सीखो। आज हम कमजोर क्यों हैं? हम धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए आज जो महागठबंधन बनी पॉलिटिकल बात मैं बोल रहा हूं श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम कमजोर हो रहे हैं। सोचने और चिंतन का विषय है। आज बगल में 20 घर अगर दूसरे जाति के लोग हैं उसको हम वोट नहीं दिलाते हैं और कैंडिडेट बन के आते हैं सुरेंद्र भैया तो कहता है कि कोई दिक्कत है कहीं एकदम जय जय हो एकदम जेने के लिए उन्हें देख ली सुरेंद्र लहरिया ना वो धोखा देता है और धोखा चार बार से खिला रहा है अपना नेता के यहाँ एकाध अरब से ज्यादा घटा है एमपी नहीं बनने पर इसको सोचिएगा। उसको साकार करने के लिए तेजस्वी जी के सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम जो है आज इसे जुड़ जाए इन्हीं चंद शब्दों के साथ। गलती किए होंगे तो हमारा बात जो है वापस कर दीजिएगा नकदी नकदी। हम आप सबों का स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और अपने भगना के पावन चरणों में तल्लू राय जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद।